मोदी सरकार की मंशा पर बेनीवाल ने उठाए सवाल, महिला आरक्षण बिल पर कही बड़ी बातें। नमस्कार, मैं प्रीति चारण और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। महिला आरक्षण बिल नई संसद में पेश किया गया और बिल पेश होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस बिल के पेश होने के बाद से ही राजनीतिक उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। महिला आरक्षण बिल पर नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकसभा में संविधान विधेयक 2023 पेश किया गया। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी महिला आरक्षण के पक्षधर है। नए विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं उसे पढ़ने के बाद इस विधेयक को सरकार 2024 में आम चुनाव से पहले प्रभावी नहीं कर पाएगी। बेनीवाल ने कहा, अधिनियम लाने के बाद से पहली जनगणना को आंकड़े तथा परिसीमन कार्य ये प्रभावी होगा, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अगर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रभावी नहीं हो पाएगा। बेनीवाल ने कहा, चुनाव को देखते हुए सरकार बेरोजगारी महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए यह बिल लेकर आई है। बेनीवाल बोले, इस बार राजस्थान सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 2 साल से अधिक कार्यकाल के दौरान महिला आरक्षण याद क्यों नहीं आया। बेनीवाल बोले, सरकार की मंशा और नीति पर निशानियां सवाल खड़े करते हुए पहले ये विधायक लागू नहीं हो पाएगा। एनडीए और प्रधानमंत्री सभी श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं और इसी बिल को लाने के लिए सरकारों द्वारा प्रयास किए गए। बेनीवाल ने कहा, सर्वदलीय बैठक में महिला आरक्षण संबंधित मुद्दे पर मैंने भी पैरवी की थी। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही और खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा। इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7333990049 पर।